हेलो एवरीवन स्वागत है आपका फैंटेसी पावर्ड फैंटेसी प्रीव्यू में यस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ऑल द वीडियोस एक और मैच एक और जय माता दी गेम और वीरेंद्र सर की शक्ल देख के आपको समझ जाता है कि कैसे जा रहे मैचेस बट फिर भी वीरेंद्र सर कैसे हैं आप बस अब तक चल रहा है आगे भी चलेगा एंड आई थिंक मेरे मेरे शक्ल से ज्यादा आज का आज का एंड जो लास्ट कुछ मैचेस का एक्सप्रेशन है दैट इज नॉट वेल डिस्क्राइब बाय मी दैट्स वेल डिस्क्राइब बाय संजय मिश्रा जी जो आपको लीड लीडर बोर्ड भी लेके आए आपके लिए बट उनकी शक्ल से दिख रहा है कि वो भी कौन से मूड में चल रहे हैं अभी सो so, लीडर बोर्ड तो है ही अगर आप मेरे टीम से खेल रहे हो तो यही लीडर बोर्ड से खेलना क्योंकि

So over to the pitch report for today's game, and yeah, even the pitch doesn't want to show itself up. So let me just figure that out. But Nikhil, bhai black soil track, so how what do you expect from it? देखो टिपिकली हमको पता है हैदराबाद का ट्रैक में आपको हेल्प मिलता है बोलर्स के लिए पीपल लव टू बैट फर्स्ट एंड दे कैन डिफेंड आल्सो तो ये होता है हैदराबाद में पर पिच रिपोर्ट ये देखना जरूरी है जैसे द वन वेरी गुड थिंग दैट स्काई सेड एट द पिच रिपोर्ट इन द मुंबई गेम कि उसको लगा कि पिच में अभी टर्न है बाद में पिच सेटल हो जाएगी एंड इट हैपन लाइक दैट ओनली बट नीतीश राणा को लगा कि क्योंकि सन है तो वो और बुरी होती जाएगी पिच जो वैसा नहीं हुआ तो अब ये देखो ये भी उनका विजुअलाइजेशन है तो वो भी गलत एक का सही हुआ एक का गलत हुआ तो लिसन टू द कैप्टन ऑफ द टॉस क्योंकि उनसे आपको ये आइडिया पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या सोच के टीम बनाई है तो फिर आपको पता चलेगा कि हु विल दे बैक वेन दे आर बोलिंग तो वैसे फिर आपको एक अच्छा हिंट मिल जाता है एवरेज स्कोर आप देखो तो यहाँ पे 160, 170 के आसपास ही बनता है पिछले कुछ मैचेस अगर आप देखेंगे तो सिंस 2018, 17 मैच हुए आईपीएल के नौ मैच बैटिंग फर्स्ट जीती है आठ मैच बैटिंग सेकंड। तो नथिंग टू पिक फ्रॉम तो ऐसा कुछ पिक्यूलर no. नहीं है कि एक साइड को फेवर जैसे मैंने कहा उस दिन पे यहाँ पे स्कोर हिस्टोरिकली हैदराबाद ने डिफेंड करें और बड़ा ग्राउंड है वो एक साइड आपको दिख रहा है थोड़ा रिसेंटली बड़ा है

एस आर एस का तो काफी वेल डॉक्यूमेंटेड है और मुंबई ने भी हर मैच में स्पिन को विकेट दी है तो इसके लिए अगर आप जब आगे की बॉलिंग देखोगे तो उस सेटअप ने हमने एक प्राइमरी ऑप्शन लिया है दोनों टीम से ऑलराउंडर्स में तो देखिए कैमरन ग्रीन और एड को नए लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रितिक शौकीन का पंट पिछले गेम में चला जो अच्छा था पर अगेन हैदराबाद का जो लाइनअप है उसमें इतने लेफ्टीज नहीं तो शायद उनकी बॉलिंग ना आए तो इस गेम में अगर कार्तिक क्या खेलते डायरेक्ट इम्पैक्ट सब उनपराबाद मारकंडे टू जो पहले मुंबई के लिए खेल चुके हैं तो शुड hmm. है in उसके बाद उमरान मलिक को लिया है प्योरली फ्रॉम द पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू पिछले गेम में दो ही ओवर डाले पर आपको पता है उमरान मलिक जसदिन अच्छा करेंगे और ये ग्राउंड भी वैसा है कि बड़ा ग्राउंड है अगर सही एंड से यूज किया जाए तो वाइल मुंबई में लव इट दे कुड ऑल्सो गेट इन टू ट्रबल तो वो एक कॉल आप पे है क्योंकि इसके अलावा फजल खेलते हो दे डेफिनेटली आप उनको टीम में लोगे भूवी इतना फॉर्म ठीक है नटराजन अगर पहले बोलिंग करते हैं तो मे बी यू कैन टेक इम फॉर उमरान वैसा आपको देखना है तो रायले एनडीआर जिसको भी आप ट्राई कर सकते हो अगर मुंबई पहले बोलिंग करती है तो ऑप्शन बहुत है

Mayang Karwal also is dismissed twice. Again, strike rate is about 160. So, slightly better in terms of strike rate, but there are dismissals to stand for. And yeah. from the other side, when you look at things, I don't know if Sundar will play. Itna pesa dene yeah. ke baad ye pitch pe nahi to I don't think kahi aur kilaya But uh, Sundar has dismissed uh, Rohit Sharma thrice. And we know that uh, the sensible captains and the ones who know how to use Sundar generally use them in, use them in the power play. So, hence that matchup and three dismissals strike rate of only 100 and those are the key matchups but there's also a battle of fire that you might see if kishan lasts through and gets out of the power play where he strikes 200 against uh, umran malik but he's also got out twice in 15 balls so you will see a fun matchup there i will not call it a form versus a player matchup because it's yeah. unlikely to happen unless we see some really outstanding batting or we see umran in the power play

थोड़ा आगे पीछे भी होता है तो जेल में पैसा वापस आ जाता है तो दैट इज़ द वे टू गो सबका कैप्टन कैप्टन होगा और आधी दुनिया ब्रुक को बना के आएगी अब hmm. ब्रुक ने नहीं बोला आई डों पावर प्ले इट सेल्फ क्योंकि मुंबई आपने देखा दे आर नॉट समी हु जो हमेशा डेटा uh, या

और फिर आपको रिस्क लेना है रोहित और पे तो आप उनके हिसाब से ले सकते हो तो इस गेम में ऑप्शन कैप्टन का सेफ है माकरम, पर वाइस कैप्टन के बहुत ऑप्शन है गोविंद स्काय रोहित तिलक किशन मयंक एंड इवन पीयूष चावला तो बहुत ऑप्शन है आपके पास वाइस कैप्टन के लिए अच्छा गेम है एक्चुअली वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन Yes, and actually, we don't discuss so many stats and facts in our previews, but we have, with the way the games have been going, it's important for us to explain the logic. And I thought yeah. now that we are explaining logic and facts, one useless stat for the day. Duan Jansen and Marco Yansen will be the first set of yes. twins to play against each other in an IPL game. So sorry, and let's get to Grand League option. <laughs> All yours.

Thought process. I'll explain clearly. Ritik Shaukeen is likely to be the second spinner, and I have a feeling that with so many right-handers in the Hyderabad lineup, they might be able to play him out with a dimension, take ones and twos, and then you lose your wickets at the death. Because we saw Riley's introduction even against KKR when they were under so much of yeah. fire came in very very late. So Brilliant. I think maybe while another bowler might bowl better than him, he might be able to get some junk wickets at the end. नहीं बिल्कुल काफी फेयर कॉल है आ, मेरे जो दो पिक हैं वो एक अगेन का प्रॉपर कंडीशन बेस्ड और टॉस बेस्ड होगा इफ एस आर एच आर बोलिंग फर्स्ट एमसन को अगर आपको लगता है कि स्विंग मिलेगी तो ही समबड़ी जो डेथ में नहीं बोलिंग कर रहे हैं बट वो पिच में इज बोलिंग फॉर विकेट तो वो मेरे को लगता है वैसे बोलर के लिए अच्छा है जैसे शामी के बारे में हम बात करी थी कि शमी लाइक अ विकेट टेकर तो बेटर होता है तो एंड में बोलिंग मत कराओ

वैसे कॉम्बिनेशन में ट्राई करना बाकी तो पोलार का इन्फ्लुएंस काफी दिख रहा टीम डेविड पे अगर आप वीडियोस देख रहे हो जो मुंबई hmm. डाल रही है तो यस सो वी हैव सक्सेसफुली कवर्ड एटलीस्ट 22 प्लेयर्स इन दिस प्रीव्यू

कैसा टाइम चल रहा है और कब कौन से गेम में कितने कॉन्फिडेंस है उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तो अगेन सेम लाइन है डू वॉट वर्क फॉर यू एवरीबडी इज डिफरेंट एंड ग्रेट एट वॉट दे डू yes absolutely so that's as far as the fantasy preview for today is concerned and now let's pick sir's brains because last time the exchange trying to picks that he gave if you tried them out then you're surely not making the faces that I am since the start of this preview so over to the exchange trying to picks for this game sir uh, what do you think we'll start with Hyderabad. and uh, because you ace this section so much I'm going to leave it totally to you.

मुंबई पिक्स सो माय पिक राइली मेरेडिथ अगर मेरे को लग रहा है कि वो दो तीन विकेट लेंगे तो थर्टी के हिसाब yeah. से आई थिंक ही विल बी अ गुड चॉइस टू ट्राई अपार्ट फ्रॉम दैट पीयूष चावला अगेन आई थिंक ही इज ऑन ट्रैक एट लीस्ट टू टेक टू इफ आई एम नॉट जिंग इन बट मतलब मैचअप्स yeah. है पिच है तो yeah. दो विकेट तो लेने ही चाहिए एंड आई नो वन एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट कन्विंस्ड विद एनीवन एल्स हां बिल्कुल ये गेम वैसा

बढ़िया अगर आपको content beneficial लगता है तो 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 देखिए और और कुछ तो नहीं और कुछ नहीं तो नहीं बोल रहे करने का डाउट एक और चीज क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे टाइम्स के पास में ब्लैंक लिखा हुआ है जैसे गेम चालू होता है तो वो टाइम्स थोड़ा बढ़ जाता है कम हो जाता है सो दैट्स बिकॉज जब दूसरे यूजर्स बाय और सेल करते हैं तो so, बैलेंस हो जाता है एग्जाम्पल so, अगर सब ने जाके माको यानसिन को ले लिया कल हियरिंग सर तो टेन टाइम जो है वो मे बी फोर या फाइव भी हो जाता है बट ऐसा नहीं है वो कम हो जाता है इट विल बी मोर ओनली बट या जस्ट वन इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू हिम hopefully and... chale woh manupura 4 40 zero wicket <laughs> yeah that that is pretty much possible looking at how things have been going but ensure you yeah. smash the like button so we yes, also please. get the multi-bagger hit on and yep. uh, now i'll get to the radio picks for this game so we start with the fact that you're going to get the rupee the 20 dollars sign up bonus which is exclusively for you the app link is in the description so you can sign up right away

and akil hussain also in case he gets a chance is a good choice while from the silver side of things bowler number 4 likely to be a spinner obviously i have maxed out my bowlers so i will have to try one other bowler or one other batter here and there but those are the three likely picks for me बिकॉज तीनों आपको ऐसी वैल्यू देते हैं जहां पे इफ दे कम थ्रू देबल टू डू गुड स्टफर है बट मार्को यनसेन रोहित विद द कांड ऑफ फॉर्म दैट हीज बिन इन बैटर नंबर टू एंडर यू हैव टीम डेविड हुन ऑल्सो बी अ गुड चॉइस और कैमर एन ग्रीन इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑल राउंड वैल्यू सो इनश्योर दैट यू गो प्ले राइट नाउ गोड आउट नाउ थैंक यू सो मच टू वी वन नुट डॉरी फॉर Last for a 30 second lag. I hope all of you have a great game, and I'll see you all very soon for the next one.